और अब खबर उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पुलिसकर्मी की आत्महत्या करने का एक मामला सामने आया है। मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ दर्ज कर लिया है मामला। हेड कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, कार्य से उसे निलंबित कर दिया गया है। हेड कांस्टेबल के नाम पर जारी थी सरकारी पिस्टल। हयात नगर पुलिस चौकी का यह मामला बताया जा रहा है। तो संभल में इस वक्त की बड़ी खबर संभल से आ रही है, जहां पुलिसकर्मी का आत्महत्या करने का एक मामला सामने आया है। मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हेड कांस्टेबल के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। हेड कांस्टेबल के नाम पर सरकारी पिस्टल थी। हयात नगर पुलिस चौकी का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां एक सिपाही एक पुलिसकर्मी की आत्महत्या का मामला सामने आया है। हयात नगर पुलिस चौकी का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जताई है। हेड कांस्टेबल के नाम पर सरकारी पिस्टल थी, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे सस्पेंड किया गया है। बड़ी खबर संभल से। प्रदीप मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या है पूरा मामला? सिपाही ने सुसाइड किया था। सुसाइड के बाद अब उसमें नया मोड़ आ गया, क्योंकि सिपाही के पिताजी ने आकर एक कांस्टेबल देवेंद्र और एक और कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया आज। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर पुलिस ने